हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने किचन में अभी से एंट्री ले ली है क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट तो नहीं है, घर के ही है, मतलब मेरे ससुराल से कुछ लोग आएंगे, तो फिर अभी उसी के लिए डिनर की तैयारी अभी से स्टार्ट करती है क्योंकि फिर आरती होगी 7:30 बजे और हल्दी भी साथ ही साथ होती है, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए डिनर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और आज डिनर पे बनेगा कुछ खास, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ दाल फ्राई, जिसके लिए मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तूर की दाल है जिसमें थोड़ी सी मूंग की दाल और चने की दाल ऐड करके हल्दी नमक डाल के मैं चढ़ा दूंगी और बनाऊंगी जीरा राइस। और पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ और नान बनाने वाली हूँ। तो यही आज का मेरा मेनू है। तो दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही हूँ। और चावल अभी तो मैं प्लेन चावल ही चढ़ा रही हूँ, उसी के बाद उसे तड़का लगा के जीरा राइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए हैं। ये सारी तैयारियाँ मैंने जल्दी जल्दी ही शुरू कर दी थी, फिर आरती वगैरह करने में लेट हो जाता है। और मैं नान का आटा अभी से गूंथ के रख लूँगी तो फिर बहुत ही मतलब अच्छे से फूल जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आटे में मतलब मैदा लिया है, उसमें नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और तेल और दही, ये सब डाल के पानी से नरम आटा गूंथ के रख दिया था। और फिर खाने के टाइम पे नान बनानी थी, तो अभी से घंटा डेढ़ घंटा पहले ही मैंने ये आटा गूंथ के रख दिया था, तो अच्छे से फूल जाएगा और नरम आटा लगाना है। तो यहाँ पे मैं ये आटा गूंथ के अभी रख दूंगी और पहले दाल फ्राई, राइस और जो पनीर की सब्जी मुझे बनानी है वो बना लूँगी, सलाद वगैरह काट लूँगी। और ये मिति है, ये मेरे जेठ जी की लड़की है जो एक दो दिन से रुकने को आई है, तो ये मुझे हेल्प करवा रही थी, सारा कटिंग वगैरह उसी ने करवा के दिया था। ये प्याज वगैरह सब वहीं काट रही थी। और यहाँ पे मैं सब्जी के लिए ये प्याज है जिसे मैं अच्छे से गलने तक पका लूँगी। और जो आप साइड में देख रहे हैं वो चावल इसीलिए खुले पड़े हैं ताकि उसमें से जो भाप है वो निकल जाए और बहुत ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि जीरा राइस बनाते वक्त अगर जो चावल बहुत पक जाएंगे ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे इसीलिए। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के लिए प्याज और टमाटर को बस गलाने तक मैं इसे तेल में थोड़ा सा सोते कर लूँगी और फिर इसकी मुझे ग्रेवी बनानी है। तो इसमें मैंने लहसुन और काजू भी डाल लिया है जिसको मैं अच्छे से नरम होने तक, ये सारी चीज़ें नरम होने तक मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इसकी पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में। तो बस इसीलिए अच्छे से चला के ये टमाटर वगैरह सब प्याज गल जाए अच्छे से उतनी देर तक पका लेना है। और इसको साइड में ठंडा होने के लिए छोड़ के देखिए मैं चावल को चला रही हूँ ताकि उसमें से एक्स्ट्रा जो भाप है वो निकल जाए, वरना अगर हम उसे ढक के रख देंगे तो वो ओवर कुक हो जाएंगे और फिर हमारे जीरा राइस अच्छे नहीं बनेंगे, इसीलिए उसे मैंने खुला छोड़ा है थोड़ी देर के लिए। और मेरी सब्जियां पक जाने के बाद मतलब टमाटर और प्याज है वो पक गए थे, वो साइड में देखिए ठंडे होने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, आप चाहे तो बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी में जीरा डाल के फिर मैंने राइस डाल दिया है और राइस में नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ उबालते टाइम के लिए और उबालने के टाइम पे, तो फिर मैं इसमें सिर्फ जीरा डाल के और राइस डाल के ये धनिया पत्ती डाल दी है और धीरे धीरे से बस चला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है वरना जो राइस है वो हमारे टूट जाएंगे। तो ये हमारे जीरा राइस भी बन के रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मैं अभी दाल फ्राई बना लूँगी क्योंकि मेरी दाल भी पक चुकी थी, तो मैं दाल फ्राई बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें राई जीरे का तड़का लगा के और फिर सूखी मिर्च और सब डाल के, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च डाल के फिर उसका तड़का लगा लूँगी प्याज टमाटर का। और प्याज के साथ ही साथ मैंने मिर्ची भी चॉप कर ली है बारीक बारीक, तो मैं चॉपर में ही मिर्ची कर लेती हूँ तो एक्स्ट्रा मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने प्याज के साथ ही चॉपर में मिर्ची चॉप कर ली है। और ये टमाटर ये दोनों अच्छे से गल जाने तक पका लूँगी और उसके बाद में मैं इसमें सारे मसाले कर लूँगी।
ये मेरे प्याज टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अभी मैं इसमें मसाला कर लूँगी और ये मीठी जो साइड में मैंने प्याज टमाटर गला के रखे थे वो ग्रेवी बना रही है उसकी। और मैं दाल फ्राई में हल्दी मिर्ची पाउडर और ये सब डाल के उसका मसाला कर रही हूँ, और हल्दी कम डाल दी है क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी डाली हुई है। और बस अभी मैं इसमें जो हमारी उबली हुई सारी दालें हैं उसमें ब्लेंडर नहीं चलाना है, बस ऐसे ही उसको तड़का लगा दिया है और उसमें नींबू निचोड़ के बस अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ, और बस थोड़ा सा उबाल लेंगे तो हमारी दाल फ्राई भी बन के रेडी हो जाएगी। ये हमारी दाल फ्राई भी रेडी थी, जीरा राइस भी बन चुके थे और अब सब्जी की ग्रेवी भी बन गई थी। तो मैं यहाँ पे सब्जी छौंक लेती हूँ और ये रेडीमेड हमारे यहाँ पैकेट में मसाला मिलता है वही मसाला है, और इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पंजाबी के लिए कोई सब्ज़ी बनानी हो तो उसके लिए मसाला मिलता है। और ये पनीर और काजू मैंने घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उसमें डालने से पहले, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मसाला जो है जो वो पानी में घोल के रखना होता है तो मैंने वही घोल के रखा है। उसमें सारा कुछ डला रहता है, मिर्ची पाउडर और सारे मसाले वगैरह सब डला रहता है, तो मैं वो पैकेट लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, उससे बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल के पहले मैं सबसे पहले ग्रेवी ही पका लूँगी जो हमने प्याज टमाटर और लहसुन और थोड़े से काजू डाल के बनाई थी, वो ग्रेवी में पका लूँगी। और ग्रेवी के अच्छे से पक जाने के बाद ही मैं उसमें सारे मसाले करूँगी, और ग्रेवी को पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है तो आप थोड़ी थोड़ी देर इसे चलाते रहिए और अच्छे से पकाएंगे तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर ग्रेवी कच्ची होगी तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको धीरे धीरे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। और मेरी ग्रेवी पकने के बाद ही मैंने उसमें लाल मिर्ची पाउडर और ये मसाला है उसमें बाकी सारे मसाले डले हुए ही थे, इसीलिए मुझे गरम मसाला वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें कसूरी मेथी सब कुछ डला हुआ था, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं वही मसाला उसमें डाल लूँगी। और मसाला डालने के बाद भी ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए, और मुझे जब जब ज़रूरत लगती थी मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती जा रही हूँ, वरना आपकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा फिर भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको जब भी ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें ऐड करते रहना है और ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। और जैसे ही पकने को तैयार होने को आएगी तो उसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, और ये देखिए जो मैंने घी में थोड़ा सा फ्राई करके पनीर रखा था वही पनीर में डाल रही हूँ, और पनीर में अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसमें वो फ्राई किए हुए काजू भी डाल लूँगी। ये बहुत ही हेवी और बहुत ही रिच बनेगी ये रेसिपी, और इससे पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर मुझे वापस पानी की ज़रूरत लगी थी तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल के पका लिया। तो ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी हमारी पनीर की सब्ज़ी, और इसे मैंने चीज़ से डेकोरेट किया था तो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी और बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। यहाँ पे मेरा सारा डिनर बन के रेडी हो चुका है और मैंने आरती की तैयारियाँ भी कर ली है, थाल भी तैयार कर लिया है, और आरती
मैंने किस तरीके से तैयार की है मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद हम लोग आरती कर लेंगे और सिर्फ नान बनाना ही बाकी रखा है, तो फिर मैं नान बनाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने आरती की थाली कैसे तैयार की है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने भगवान जी के लिए लड्डू और आरती की थाल सजा के रखी थी। तो अभी हम लोग पहले आरती कर लेते हैं और उसी के बाद में मैं नान बनाने जाऊंगी किचन में। वगैरह करने के बाद मैं यहाँ से फटाफट किचन में आ गई थी और मिट्टी पापड़ वगैरह सेक रही थी और दाल फ्राई भी गर्म होने को रखी थी और मैं नान बनाने आ गई हूँ। ये लाइट हमारी थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि हमारे किचन में बहुत ही कम लाइट है। अभी हम लोग सोच रहे सभी जगह बड़ी लाइट लगवाएंगे तो अच्छी क्लियरिटी आए इसके लिए। और ये मैंने नान पे पानी लगा लिया है अच्छे से बेल के, और फिर ये तवे पे चिपक जाती है और तवे को पलट के बस इसी तरह से देख देख के अच्छे से हमें नान को सेक लेना है और उस पर बटर लगा लेना है। तो आपको बिल्कुल तंदूर जैसी नान मिलेगी, जैसे हम लोग होटल्स में जाते हैं वैसी नान मिलेगी आपको, बिल्कुल जैसे तंदूर में बनी हो वैसे पीछे से वैसी लगेगी और आगे से तंदूर में बनी हुई हो ऐसी लगेगी। तो बस इसी तरह से मैं सारी नान को यहाँ पे सेक लूँगी। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड और ये भूमि भी आई हुई है, ये भी मेरी चेटजी की लड़की है, ये छोटी लड़की है और मीती बड़ी है, और एक अभी लड़का भी है जो भी वहाँ पे ही खड़ा था पर फिर भी आ नहीं रहा था क्योंकि उसे कैमरे के सामने नहीं आना था इसीलिए। तो बस अभी सब लोग देख रहे हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं और कब थाली लगने वाली है, तो आ रहे हैं और ये सारी तैयारियाँ करवा रही है मीती। तो बस अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी आज का, क्योंकि मुझे पता था कि आज व्लॉग एंड करने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके ही अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। और मिलूँगी अपने एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी तो खाना वगैरह खाने के बाद तो इतना काम था, बर्तन वगैरह सब कुछ इतना करना था, किचन स्लैब की क्लीनिंग करनी थी, तो बहुत ही काम था, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मैं अपना व्लॉग आज यहीं पे एंड कर रही हूँ।